नजरें झुका के चलो, डर डर के चलो कि कहीं कोई पूछ ना ले कि तुम्हारी बेटी किस हीरो के साथ हीरोइन बनकर आ रही है। आज तुम पहली बार देखोगी अपनी फिल्म बड़े पर्दे पर। देख यार उदय, किसी से कहना मत कि मेरा उस हीरोइन से इश्क था। कोई भरोसा नहीं करेगा, लोग मजाक उड़ाएंगे। अगर तुम्हारी जगह मेरी डॉटर होती ना, तुम इस शहर में बड़े शान से जीता। क्योंकि स्टार बनना हर किसी के बस की बात नहीं मिस्टर पीके। अब तो केके की बंद मुट्ठी शुक्रवार को ही खुले। आज अपनी उर्वशी की फिल्म रिलीज हुई है, पहला टिकट मुझे ही मिलना चाहिए। थैंक यू। हेलो मुंबई। यस यस। हाँ, क्या पोजीशन है मुंबई की, फिल्म कैसी चल रही है? 100% कलेक्शन। थैंक यू थैंक यू। हाँ हाँ, रोमे भी आते ही होगा, मैं बात कराता हूँ। एक मिनट। यस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सिर्फ आधे घंटे बाकी रह गए हमारी पिक्चर का पहला शो छूटने में। इस शो के छूटने के बाद हमें सर तुरंत पता चल जाएगा कि हमारी पिक्चर का क्या रिएक्शन है पब्लिक पर और क्या रिस्पॉन्स है पिक्चर का। रोमी, मुंबई की कलेक्शन तो 100% है। आपने जरा नेटवर्क से पता तो करो कि इंटरवल तक का रिएक्शन क्या है। मैं पता करता हूँ सर। हाँ हेलो। हाँ भैया, मैं रोमी बोल रहा हूँ के प्रोडक्शन से। जरा ये बताइए कि इंटरवल तक की पिक्चर देखने के बाद पब्लिक पर इसका क्या असर पड़ा, क्या सिचुएशन है, पिक्चर की क्या पोजीशन है, क्या रिस्पांस आ रहा है? अरे सर मुबारक हो, मुबारक हो सर, अपनी पिक्चर हिट हो गई और उर्वशी जी तो छा गई सर। सर आपने क्या कमाल की पिक्चर बनाई है सर। एक बात बताऊं सर, एक नई लड़की को लेकर और पूरी नई स्टार कास्ट को लेकर केवल अपने दम पर पिक्चर बना लेना सर, ये केवल आपके बस की बात थी, और कोई नहीं बना सकता था सर। थैंक यू रोमी, थैंक यू। पर अभी ये मुंबई की बात है, हमें ऑल ओवर इंडिया टेरिटरीज का पता करना है। तुम जरा अपने नेटवर्क से पता तो करो कि यूपी, CPCI, बिहार, राजस्थान, पंजाब, इन सब में क्या रिएक्शन है, पब्लिक की क्या फीलिंग्स है फिल्म के बारे में। अरे सर जब मुंबई हिट है तो समझिए ऑल ओवर इंडिया हिट है सर। आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी पता करता हूँ। Thank you.
लौट के। सर हमसे अब और ज्यादा फोन नहीं किया जा सकता। सर आप तो जानते हैं कि मैं एक बहुत कमजोर दिल का आदमी हूँ, इतनी सारी खुशियां एक साथ मुझसे संभाल ही नहीं जा सकती। सर अपनी फिल्म मुंबई में तो 10 times हिट आई है, और रही बात बाकी हिंदी टेरिटरीज की, तो सर वहां तो उसकी खबरें सुनने में आ रही है कि लाठीचार्ज तक हो गया। सर सर पिक्चर के टिकट डायरेक्ट में बिक रहे हैं, और सर खबर तो यहाँ तक की है कि वहाँ के जो VVIPs हैं वो सभी सिनेमाघरों के मैनेजरों पर इस बात का प्रेशर डाल रहे हैं कि उन्हें टिकट मिल जाए। सर इसको कहते हैं हिट। ठीक है रोमी, जरा उर्वशी को फोन लगा। हाँ उर्वशी, उर्वशी जी। हाँ हाँ सर बढ़िया याद दिलाए। देखना ना भूलिए आज रात एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उर्वशी जी के साथ सिर्फ और सिर्फ सितारा चैनल पर। हेलो। हाँ हेलो उर्वशी जी, नमस्कार नमस्कार, कैसी हैं? अरे भाई क्या बात है, मुबारक हो, आप तो छा गई मैडम चारों तरफ। सर उर्वशी। हाय उर्वशी, हाउ आर यू? हेलो सर। सर मैं बस टीवी देख रही हूँ। सर आपको पता है मुंबई में लोगों को फिल्म बहुत पसंद आ रही है। अरे मुंबई क्या बेबी, ऑल ओवर इंडिया फिल्म हिट हो गई है। अभी अभी हमने सारे इंडिया का हाल मालूम किया, हर टेरिटरी में फिल्म हिट है। कहीं लाठी चार्ज हो रहे हैं, कहीं टिकट ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, और तो और 3 weeks का हाउसफुल हो गया है उर्वशी। 3 weeks का हाउसफुल, ये एक मिरेकल है, एक चमत्कार है, एक नॉन स्टार कास्ट की इतनी बड़ी ओपनिंग किसी चमत्कार से कम नहीं है। तुम स्टार हो गई उर्वशी, स्टार। एंजॉय योर स्टारडम। सर आपने तो मेरे पर लगा दिए। सर मैं उड़ रही हूँ और मुझे कैसा महसूस हो रहा है मैं आपको बस बता ही नहीं पा रही हूँ। अब सर मेरा दिल तो बहुत तेजी से धड़क रहा है। सर यू आर रियली ग्रेट, आपने ये प्रूव कर दिया कि आप जादूगर हैं, जादूगर। थैंक यू वेरी मच सर। यस उर्वशी, तो रात को मिलते हैं आरसी के बंगले पर और सेलिब्रेट करते हैं आज का जश्न। ओके ओके सर, थैंक यू, बाय बाय बाय। आश्चर्य है, यश एवं लाभ का पुरस्कार इस प्राणी को। नारायण नारायण, 84 lakh योनियों के नियंत्रा, पाप व पुण्य के अंतिम पारखी श्री चित्रगुप्त जी, आपका ये पृथ्वी लोक का दृश्यवलोकन अवश्य ही गुण रहस्यों को अपने में संजोए है। नारायण नारायण, इन रहस्यों से आवरण हटाकर हमारी जिज्ञासा को शांत करने की कृपा करें। अवश्य नारद जी, अगर सृष्टि के रचयिता हमें आदेश दे, क्योंकि मैं ब्रह्मा जी के चिंतन, निर्देश के क्रियान्वयन के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के लिए दृढ़ संकल्पित हूं। चित्रगुप्त, नारद की जिज्ञासा शांत कीजिए। जो आज्ञा। नारद जी कृपया आपके हृदय में उठ रहे प्रश्नों को क्रमानुसार स्पष्ट कीजिए। नारायण नारायण, चित्रगुप्त जी पहला प्रश्न तो यही उठता है कि पृथ्वी लोक पर हम तो मायावी पाप को, राक्षसी प्रवृत्ति वाले पाप को, उसके मायावी रूप को, उसके षड्यंत्रों के लिए ये दृश्यवलोकन देख रहे हैं, परंतु आपने जो दृश्यवलोकन दिखाया उसमें अवश्य कोई गुण रहस्य छुपा है। कृपया कृपया थोड़ा स्पष्ट कीजिए कि इस प्राणी को अचानक यश व लाभ कैसे मिले। यह प्राणी उर्वशी पिछले 4 जन्मों से सरस्वती व देवी लक्ष्मी की आराधना करती थी, पर कलयुग में न सतयुग जैसा तप है, न तपस्या है, न त्याग, और यही कारण है कि इस प्राणी को 4 जन्मों तक अपनी आराधना का फल नहीं मिला। इस जन्म में पुनः इस प्राणी की परीक्षा ली गई,
कि इसकी आराधना, इसका तप कितना सच है। इसीलिए ये प्राणी जो यश, जो धन चाहती थी, इस जन्म में मध्य श्रेणी परिवार में जन्म मिला और अपने पिता की इच्छा पूर्ति में स्वयं की इच्छाओं की आहुति मांगी गई। और इस प्राणी ने जैसे ही वो आहुति देनी चाहिए, देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी ने इसे अपना आशीर्वाद प्रदान किया और पृथ्वीलोक पर इसे एक चमत्कार समझा जाता है। नारायण नारायण, परंतु मायावी पाप का अब तक दृष्टिगत नहीं होना। नारद जी, मायावी पाप उन प्राणियों को खोजता है जिन्हें दैवीय शक्तियां दैवीय पुरस्कार प्राप्त, जिनको अपने अधीन करो, उनके मस्तिष्क पर अपना पूर्ण अधिकार जमा, उन्हें अपने पापी साम्राज्य का एक विशाल स्तंभ बना सके। देखना यही शेष है कि मायावी पाप कैसे इस प्राणी पर अपना अधिकार स्थापित करता है और उसकी प्रक्रिया क्या है। नारायण नारायण, चित्रगुप्त जी, आपने मायावी पाप का सूक्ष्म निरीक्षण दर्शाने की जो प्रक्रिया दर्शाई है वो शने शने स्पष्ट होती जा रही है। शिकारी के सामने शिकार है और आपके सामने शिकारी। नारायण नारायण, अब आपकी पारखी दृष्टि अवश्य ही मायावी पाप पर गड़ जाएगी। देखा नारद, कलयुग में असंख्यों में पहुंच गई मानव जाति की कितनी स्पष्ट और कितनी सूक्ष्म पकड़ है चित्रगुप्त। धन्य हो चित्रगुप्त। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा थैंक यू सर। गुलाब के फूल, ये मेरे लिए लकी है, वेरी लकी। इसी को देखकर तो आपने मेरा करियर शुरू किया था। आप प्लीज हमेशा मुझे यही गिफ्ट दीजिए। फ्यूचर की बात छोड़ो उर्वशी, आज की बात करो। आज की, आज हम आसमान पे हैं। तुम्हारी तुम्हारी धमाकेदार एंट्री से फिल्म इंडस्ट्री हिल गई है। बड़े बड़े टॉप स्टार्स की रातों की नींद हराम हो गई है। अरे अरे, इतने बड़े धमाके की, इतने बड़े सक्सेस की तो मैंने खुद कल्पना नहीं की थी। इट्स रियली मिरेकल, एक चमत्कार है उर्वशी, चमत्कार। डैड ने बताया कि आज आप हमारे घर डिनर पर आ रहे हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ अंकल। हम तो ये सोच रहे थे कि आज मिस्टर के किसी 5-स्टार होटल पर जश्न मना रहे होंगे। अंकल, आज तो आपकी दिवाली है, आपका बड़ा दिन। भावना, के अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलता, कभी नहीं। जानती हूँ, जब मेरी पहली फिल्म हिट हुई थी तो मैं अपने उसी छोटे से शहर की छोटी सी चाय और समोसे की दुकान पे बैठा उसे सेलिब्रेट कर रहा था, क्योंकि मुफलसी के दौर में उसी चाय और समोसे को मैं उधार खाता था। और आज मेरी जड़ है ये घर। शुक्रिया जमीन, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया चार दीवारी, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया शुक्रिया और शुक्रिया मेरे यार आरसी, शुक्रिया उर्वशी कि तुम सबकी वजह से मैंने अपनी जिंदगी में एक लंबी छलांग लगा दी। लंबी छलांग। कितनी खुशी की बात है। चलिए चलिए, खाना तैयार है। चलिए आइए आइए आइए। सर,
हेलो हेलो माँ, उर्वशी बोल रही हूँ। उर्वशी, तू ठीक तो है ना? बस ठीक हूँ, आप बताइए। तू जानती है, यहाँ तेरी फिल्म लगी है। हाँ, और टीवी पर बार बार तुझे और वो तेरे फिल्मों के सीन दिखाते हैं। बहुत खुशी हुई बेटा, बहुत खुशी हुई। ऐसे ही तरक्की करना हो, खूब नाम कमाना। थैंक यू माँ, लेकिन क्या पापा ने ये सब देखा? वो क्या अभी भी मुझसे नाराज है? नहीं बेटा, तेरे पापा का दिल तो पत्थर का हो गया है। आलोक भी तेरा नाम तक नहीं लेता। तू जानती है, पूरा शहर जश्न मना रहा है। अरे कितने लोगों ने घर पे आके बधाइयां तक दी। माँ तुम भी जाकर फिल्म देखो ना, और हो सके तो पापा को भी ले जाना, शायद वो। हाँ वैसे मैं कोशिश जरूर करूंगी, पर मैं वादा नहीं कर सकती कि मैं। देखिए मैं सभी नेत्री, आप हम पर थोड़ी मेहरबानी करिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इस छोटे शहर में आपकी बड़े बड़े कारनामों वाली फिल्म लोग बड़े चाव से देख रहे हैं, मजे ले रहे हैं। इस शहर की हर दीवार पर आपके अश्लील पोस्टर चिपके पड़े हैं, जिस पर आवारा लोग कसीदे कसते हैं। हम अंदर ही अंदर रोते हैं, क्योंकि हम अपने आंसू किसी को बता भी नहीं सकते। हम खानदानी लोग हैं, संस्कारी लोग हैं, इसलिए हम ये शहर छोड़ना चाहते हैं। क्या? मैं ट्रांसफर ले रहा हूं ऐसी जगह का जहां हमें कोई जानता ना। अभी मुझे आलोक को अपने पांव पर खड़ा करना है, अर्चना का भविष्य देखना है, उसके हाथ पीले करने हैं, इसलिए आप हमसे दूर रहें तो अच्छा है। अगर आपने हम में से किसी भी सदस्य से बात करने की कोशिश की, हमसे रिश्ता बनाए रखने की कोशिश की, तो हम सब जहर खा लेंगे। समझी? पापा। उर्वशी, अरे ये क्या? अरे आज तो तुम्हें सफलता मिली है, तुम्हारी जिंदगी का इतना बड़ा दिन है, और तुम्हारी आंखों में ये आंसू। अंकल, ऐसी सफलता का क्या फायदा जो मुझे मेरे अपनों से जुदा कर दे। अंकल, मैंने अपने घर की खुशियां छीन ली है। मेरे पापा खानदानी घर छोड़कर किसी गुमनाम जगह जाना चाहते, और मेरा छोटा भाई वो तो मेरा नाम ही नहीं लेता आजकल। और माँ, वो बेचारी क्या करे, मेरे कारण उसे क्या क्या सुनना पड़ता है। और अंकल, मेरे पापा ने तो मुझे धमकी दी है, अगर मैंने अपने घर वालों से रिश्ता रखने की कोशिश की तो वो सब
जहर खा लेंगे। अंकल, मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? मेरी क्या गलती है? गुनाह किया है तुमने बेटे, लीक से हटकर अपनी राह बनाने का गुनाह, गलत नजरी से टकराने का गुनाह। एक बात बताओ बेटे, जो तेरे अपने हैं, जो खून के रिश्ते हैं, वो जो कर रहे हैं वो ठीक है क्या? अरे वो भी उन गैरों के तानों के लिए जिनका कोई मतलब नहीं। लोगों का तो काम है कहना, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन तू इन छोटे विचारों के लिए अपने मन को दुखी क्यों कर रही है? क्या करूं अंकल, खून के रिश्ते इतनी आसानी से भुलाए भी तो नहीं जाते। मैं समझता था कि पीके अपनी बेटी को समझेगा, तू उनके लिए रोती है ना, उन्हें याद करती है, लेकिन वो लोग नहीं बदले, उन्होंने तुझे कभी याद नहीं किया। ताली एक हाथ से नहीं बजती बेटे, प्यार देने वाले को प्यार दो, नफरत करने वाले से अपनी नजरें हटा दो, क्योंकि इनकी बेवजह नफरत तुम्हारे काम में रुकावट पैदा करेगी। तो अपनी मंजिल की ओर देख बेटी, अपने लक्ष्य की ओर देख, उस कीर्तिमान की ओर देख जो तुझे जीवन में आगे ले जाएगा। एक बात बता, क्या तू भूल सकती है अपने अतीत को? क्या तू भूल सकती है अपने खून के रिश्तों को? भूल भूल सकती है उन्हें? हर इंसान का अक्स वहां पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हाजिरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता, कौन कहां कौन कहां।